गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। सतगुरुदेव भगवान की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सतगुरुदेव भगवान की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। विष्णु परिवार का कहना है शाकाहारी रहना है। गुरु महाराज जी का कहना है शाकाहारी रहना है। प्रेम प्राधम सरकार का कहना है शाकाहारी रहना है। सब रोगों की एक दवाई गौ सेवा करो मेरे भाई। गौ सेवा से धर्म बचेगा, बच्चा बच्चा निरोग रहेगा। गुरु महाराज जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। गुरु महाराज जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम श्रद्धे परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सर को बार बार नमन करते हैं। उपस्थित सत्संग में विराजमान देश के कोने कोने से आए हुए नर एवं नारी के रूप में भगवान के प्यारे बच्चे एवं बच्चियों को हृदय से आशीर्वाद। आप सभी जल्दी से पांडाल में आ जाइए। जो इधर उधर अभी घूम रहे हैं वो जल्दी से अपने स्थान को ग्रहण कर लें और उचित स्थान देखकर वहां बैठ जाइए। माताएं बहुत शांति रखें। दूसरी बात यह है कि माताएं थोड़ा फासला बना के बैठा करें। देखिए कई ऐसे कार्य होते हैं जो हमें अगर कोई टच कर रहा है ना। एक आपने कभी एकांत में बैठ के नहीं सोचा होगा कि गुरु महाराज पैर क्यों नहीं चुभाते? कभी सोचा इस बात? हम पैर इसीलिए नहीं चुभाते, हम सामने वाले भरोसा नहीं करते ये गंदा है कि अच्छा है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आप अपना भाई या बहन मार रहे घुटने से घुटने चिपटा के बैठे, वो आपकी भक्ति को छीड़ कर देगा, आपकी भक्ति को छीड़ कर देगा। और इनके बहुत आदत होती है कि जब तक बगल की दीदी का घुटना ना चिपटे तब तक इन्हें सत्संग का आनंद नहीं आ रही। गुरुजी कोई बात कहेंगे तो उसकी हंसी कैसे निकलेगी? यहाँ सत्संग सुनने आप आते हैं, यहाँ रिश्ता बनाने मत आया करो। संत आश्रम में कभी भी किसी से रिश्ता मत बनाओ आपस में। यहाँ आ गए जब तक हैं तब तक भैया बहन हैं, और जहां से गए अगली बार फिर भैया दूसरे मिलेंगे, फिर बहन दूसरी मिलेगी। अगर रिश्ता ही बनाओगे तो पता नहीं कितने लोग, और अगर आपने किसी एक से रिश्ता बना लिया तो आश्रम में आने के बाद मालिक परमात्मा भी आपको कोई फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप गुरु का सारा पकड़ के आए थे, आप इन लोगों का सारा नहीं पकड़ के आए थे। आपका कर्तव्य केवल गुरु तक रिश्ता रखें तो उस रिश्ते को परमात्मा भी प्रणाम करते हैं कि इनका रिश्ता केवल गुरु से है। कई हमारे पास ऐसे सबूत हमें मिलते हैं कि गुरु जी को कोई बात ना पूछे, फलाने व्यक्ति को पूछी जाए, फलाने व्यक्ति को बताई जाए। चार माताएं इकट्ठी होके वहां पांचवी माताएं की बुराई करती हैं
तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो उस माँ का है जिसकी बुराई हो रही है। ये चार का तो मुंह गंदा है ही, और उसकी बुराई सब इनके द्वारा निकाली जा रही, तो वो तो अपने आप साफ हो जाएगी। जो पांचवी माँ वहां मौजूद नहीं है, और चार अगर आपस में बुराइयां कर रही हैं, तो वो चार जो बुराइयां कर रही हैं उन्हीं की गंदगी भरी जा रही है, वो पांचवी तो अपने आप साफ हो जाएगी, वो अपने आप साफ हो जाएगी। तो हमारा कहना आप सबसे है कि आने के बाद घरेलू संबंधी कोई चर्चा मत किया करो। दूसरी बात, ये माताएं सारी यहां से उठिए, इनको सबको उठाइए, जाइए सिक्योरिटी वाले जाइए, इनको उठाइए यहां से पीछे पहुंचाइए, इन्हें दो चार बार जब सजा दोगे तब इनकी आदत सुधरेगी। उठाइए यहां से पीछे पहुंचाइए, सबसे ज्यादा चबड़ चबड़ इन्हीं की आवाज आती है, उठाइए यहां से इनको, सबको पीछे पहुंचाइए जाके, वह इनका सुधार हो जाएगा जब ये बातें करना बंद हो जाएंगी। उठने में भी बातें हो रही हैं, आप देख रहे हो, इधर से हमें एक आवाज सुनाई नहीं देती है, और इधर से आप पांच मिनट सत्संग कर, माइक बंद हो जाए, जनरेटर बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो पांच मिनट में इतना सब कुछ बोलेंगे। परिवार वाले भेज रही है, भगवान की बड़ी कृपा है, और उसका आप दुरुपयोग कर रही हैं। यहां आने के बाद बिल्कुल सीप की तरह हो जाओ, बिल्कुल अपने आप को बदल लो मैया, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा अंगुली में दर्द वाले के दर्द ही बना रहेगा, पेटम पथरी वाले के पथरी ही बनी रहेगी। जब तक आप गुरु के बताए हुए नियमों पर नहीं चलेंगे, तब तक आपको आश्रम से कोई लाभ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा किसी प्रकार से। तो जीवन में कितनी मैया ऐसी हैं जो सत्संग में हर मंगल आती हैं, हाथ उठाना जिन्हें कई मंगल हो गए हो, ऊंचा हाथ उठाओ। मैया आपको हर बार बताया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि आप तो कम से कम पड़ोसी को डांटो, आप तो पड़ोस वाले को डांटो, आप तो समझाओ इनको। आप पढ़े लिखे हैं तो मूर्ख ना बने, समझदार हैं, बिल्कुल भी अज्ञानता ना बरते किसी भी तरह से। जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जो कभी सत्संग में नहीं गए हो, आज प्रेमपुरा धाम पे आए, हाथ उठाना। देखिए आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप करकाल कलयुग में उस सत्संग प्राप्त करने आए, हाथ नीचे कर लो। अब मैं आपको एक सूत्र बताऊं, आपस में पैर से पैर को दबा लो, इस वाले पैर को इस वाले पैर से और इसको इसके, और पंथी बंद कर लो, और हाथों को आपस में स्पर्श कर लो, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। हाथों को स्पर्श करोगे ऐसे करके तो आपका मन बुद्धि पवित्र रहेगा, और जितनी देर तक वाणी सुनाई जाए आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए, यहाँ मुख से जो वाणी निकल के आए तुरंत उसे आप कैप्चर कर लो, और वो वाणी अपने चुरंदा घट में ले जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुण्याद, वो स्वामी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अभी मैया हमारी करी कि उस दिन जब गए यहां से तब रोके गए, आज तो हंस दो। देखिए हमारा ये समय नहीं लगता है हमें कि कब हमें हंसना पड़ता कब रोना पड़ता है। एक घंटा या एक मिनट ऐसा नहीं आता जिस समय हमारे दिमाग में वो रील ना चले। केवल एक ही रील चलती है कि इधर का काफिला कर दिया, इधर का सुधार कर दिया तब इधर जाना चाहिए, इधर का सुधार कर दिया तो इधर जाना चाहिए, इधर का सुराध कर दिया तो इधर, वो ही चलता रहता है। कल हमें क्या करना है वो आज ही हमने तैयारी कर रखी, परसों क्या करना वो आज ही तैयारी कर रखी है। आने वाले 2024 के ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है वो आज ही सारी तैयारी कर रखी है। अगला काफिला कितनी तारीख से निकालना है वो सब वो ही दिमाग में चलता रहता है।
हंसी का टाइम आ जाता है सत्संग में तो हंस लेते हैं, उदासी का टाइम आ जाता है तो उदास हो लेते हैं, रोने का टाइम आता है तो रो लेते हैं। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। हम लोग ये किसका बच्चा है? मैया तुम पे एक नाती जो बना खिलाओ जा रहे हो, बाद में तुम अर्जी लगवा रही थी, तुम ही लगवा रही थी, तुम ही ने फोन करो, अरे हाथ तो लाए दो, हम माइक से मोबाइल से ही पहचान लेते कि तुमको बोल रही हो। तब जा कही गुरु जी गुरु पर बहु के पेट में दर्द उठुआ ने तेज आ जाए तो ला नाती आ जाए, जो ये को नाती तो दिलाना पा रही तुम पल जाई खिला लो, ये को नाती तो जहां से वहां तक रोंदो रोंदो घूम रहा हुआ। भैया जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा भी बिल्कुल अज्ञान है, इस बच्चे के सामने अगर कहीं लेटरिंग पड़ी है तो उसमें भी ये हाथ बोलो बोलो डाल देगा। इसे ये भी होश नहीं है कि वो हाथ अपने मुंह में भी ले जाए, क्योंकि इसके अंदर अभी बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। और इस बच्चे के अंदर अगर हम बुद्धि भर दें तो लेटरिंग में हाथ डालना तो छोड़ो, अगर इसको हम ज्ञान दे दें तो ये मिठाई को भी नहीं छुएगा। अगर बुद्धि पवित्र कर दें तो ये बिना कहे मिठाई को भी नहीं टच करेगा। माताएं अपने बच्चे को जब ही पवित्र कर पाएंगी जब अपनी संगत या अपने आप को किसी संत से जोड़ लें, किसी संत से चिपक जाएं, तब वो जाके बच्चों को संगत सिखाएं। पेशी के टाइम पे हर सोमवार को दो चार लड़कों को या लड़कियों को पकड़ के लाया जाता है कि हमारी लड़की बहुत बिगड़ के चल रही, हमारा बेटा सुधर के नहीं चल रहा, बहुत बिगड़ के चल रहा है। बेटा बिगाड़ने वाले हम नहीं है, आप ही हो। आपसे कहा गया बचपन में कि आप इन्हें सत्संग से जोड़ दीजिए, आपने नाम में साधना में दीक्षा दिलवा दीजिए, तो आपको लगा कि गुरुजी तो हमारे बच्चों को बाबा बनाना चाह रहे हैं। अगर इनको मंत्र मिल जाता बचपन में तो ये धीरे धीरे सुमरन अपना करते रहते और खेती खलियान दुकान मकान नौकरी दफ्तर का अपना काम भी करते रहते, इनका यहाँ भी कल्याण हो जाता और इनका वहां कल्याण के लिए वहां भी जगह तैयार हो जाती। ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों को सत्संग में लाएंगे, सत्संग से जोड़ेंगे और इनके अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है उस गंदगी को साफ करेंगे। जब हम किसी संत का सहारा लेते तो जीवन बदल जाता है। एक बार एक ग्वाला गाय चरा रहा था, तो एक ग्वाला जो था वो गाय चरा रहा था तो कद ने उचार तमो मन की कर लो ना मालम जी का कहेंगे आप ही मम्मी की ज्यादा लाड़ करते हैं, तासे ने उचार कराए ली हम पे ना कराए। जब हमें तो भैया सब कुछ देखना पड़े ना, जब मैया आल कहती वहां जाके बैठी जा कहती देखो आप ही मम्मी चांद पे तासे ने ऊपर बुला लो, हमारे लिए तो सब मैया है साहब। और खासकर हमारी मैया तुम्हारे लिए और कम है, हम अपनी मैया को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। दुनिया की मैया के बीच में रहते हैं, अपनी मैया को टाइम ही नहीं दे पाते बिल्कुल, पांच मिनट मैया के पास न बैठ पाए। ये 22 दिन का जो भ्रमण था, 8 जिलाओं में हम लोग गए थे, 21 तारीख को निकल के गए और कल शाम को सारे लोग यहाँ आश्रम में, कल शाम को कितने लोग आए हाथ उठाना, तो कल शाम को सारे लोग आश्रम में प्रवेश किया है। 22 दिन तक भ्रमण पे रहे, ये कन्नौज मैनपुरी एटा कासगंज फरुखाबाद और आपका ये हरदोई सीतापुर साजापुर लखीमपुर खीरी इन जिलाओं में हम लोगों का भ्रमण रहा। 22 दिन का सत्संग चला और परम्परा धाम सरकार की दया कृपा से, पूज्य सतगुरुदेव भगवान की कृपा से पूरा सत्संग बड़ा हंसी खुशी से निकल गया। किसी प्रकार से कोई बाधा 22 दिन में नहीं आई, किसी प्रकार से कोई रोकथाम नहीं हुआ, पूज्य सतगुरुदेव भगवान की दया कृपा से बड़ा हंसी खुशी से कार्यक्रम हो गया। हम जो यहाँ कह के गए थे, हमने कहा मैया तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ तुम
याद करोगे। तो जब हम सीतापुर की धरती पे पहुंचे तो सीतापुर के एक बाबा ने एक भजन सुनाया तो ये सब लोग मुंह की तरफ देख रहे, अब बाकी भाषा न पहचान पाए, अब वो भी सीतापुर और लखीमपुर खीरी के बॉर्डर पे ले जाके रख दिया हमने पेशावा ब्लॉक के अंतर्गत। वहां जिधर भी नजर मांग रहा हजारों बीघा गन्ना के सिवा तुम्हें एक एक बीघा किसी को गेहूं दिखाई दिया वहां? अरे जो लोग साथ में थे आना तो कहो, कोई आलू वगैरह दिखाई दिया वहां? केवल गन्ना ही गन्ना दिखाई दिया। और इतना उन लोगों ने इनको रस पिलाया कि अपने आप जो मना कर गए साब अपना पी लो हमें। वहां एक बाबा थे वे आते, ए मैया तनिक इधर आवा रस पी ले रस। माताएं कहती थी अपना पियेंगे भैया हमें सर्दी है जाएगी। क्या वहां का नजारा। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सीतापुर हरदोई और साजापुर की धरती बहुत ज्यादा शुभ रही, जिसको देखा जाए कि वहां के लोगों का वो प्रेम वो भाव। एक दिन ऐसा हुआ कि 4 तारीख की ये बात है, कार्यक्रम चल रहा था तब तक मौसम नहीं बीच में गड़बड़ हो गया था हल्का सा, पांडाल पूरा भर गया था, पांडाल से जनता लगभग 100-200 लोग बाहर निकल गए थे, सत्संग हमने शुरू ही कर पाया, तब तक बूंद पड़ने लगे। तो हमने उन लोगों से कहा जैसे जगह सामने खाली छोड़ लेते दरबार के लिए, मैंने कहा आप लोग पीछे वाले आगे आ जाओ। उनने हाथ हला दिया कि नहीं गुरुजी आपकी वाणी सुनना जरूरी है, चाहे हमें पानी से भीग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी वाणी कहाँ मिलती, इतने दिन बाद आप यहाँ आए हो। और सारे लोग वही बाहर बैठे रहे, ऊपर से बूंद पड़ते रहे, एक व्यक्ति उठ के नहीं गया, वहीं के वहीं सत्संग सबके सब सुनते रहे। उन्हें सत्संगी कहते हैं। यहां तो अगर नेक थोड़ी सी धूप पड़ेगी तो वे इधर भागेंगे, नेक कोई पानी की छींटा भी मार दे तो चौंक के भागेंगे, क्योंकि यहां आते हैं लोग रोग समझ के, एक हॉस्पिटल समझ के। और वो लोग हॉस्पिटल समझ, एक भी व्यक्ति ने वहां ये नहीं कहा कि हमें ये दर्द है। दोनों प्रधान आए हमारे सामने, पूर्व और वर्तमान, बोले गुरु महाराज आज ही अलाउंस कर जाओ कि प्रधान लोग दो दो बसें भर के लाएंगे। दोनों प्रधान स्वयं कह रहे इस बात को। तो मैंने कहा ठीक है, ये प्रधान लोग बसें भर भर के लाएंगे, सारा जन समूह वहां प्रेमपुरा धाम सरकार में 21-22 तारीख को पूज्यपाद दादा गुरु के वार्षिक भंडारे में पहुंचना। कितने लोग प्रचार कर रहे हैं दादा गुरु के भंडारे का, झूठा वाला सच वाला? इधर मैया, अरे जितना हमारे भक्त एक जगह प्रचार कर आए हैं इतना तुम घर पर रह के कभी नहीं कर पाओगे। जितना हमारे साथ भक्त गए एक जगह ही इतना प्रचार करके चले आए, आप प्रचार आपका जब भी माना जाएगा जब आप कम से कम 5 लोगों को अपने साथ लेके आओ तो मानेंगे प्रचार। हमारे अरविंद नेताजी कह रहे कि हम तो वहां एक कैंटर खड़ी करा देंगे अपने वहां फिरोजाबाद, जिसको भी जाना है भंडारे में आराम से जाओ प्रसाद पाओ आराम से, वहां कैंटर लगवा देंगे। आप सबका कर्तव्य है कि दादा गुरु के भंडारे में एक एक पिकअप गाड़ी अपने अपने गांव को गोद लो। अगर तुम्हारी जेब से उस दिन 500 रुपए भाड़ा चला गया तो मैं वचन देता हूं कि आने वाले 1 महीने के अंदर ही तुम्हें 5,000 की फायदा होगी। आप लिख लेना और नहीं तो 500 को नोट हम तुम्हें वापस दे देंगे। इतने लोगों के सामने वचन भरते हैं, ये हंसी मत लेना कि अगर आपकी वहां से गाड़ी 700 रुपए भाड़ा ले, आप उस गांव को गोद लेके उन लोगों को ले आना, निस्वार्थ लेके आना कि आज हम गाड़ी ले चलेंगे दादा गुरु के भंडारे में। हमारी गाड़ी 500-700 जो रुपए ले रही है, गुरु महाराज जी ने टाइम दिया है उस पर तुरंत देखना कि 10 गुना कितना अंतर पड़ता है, क्योंकि हम केवट बनने का काम करेंगे। हम केवट बन के जब जाएंगे तो भगवान राम स्वयं दर्शन देने आएंगे। आप एक बार विचार करिए, एक बार सोचिए कि हम अगर 20-20 लोगों को लेके आएंगे पूज्यपाद दादा गुरु के भंडारे का प्रसाद देश के कोने कोने से। कल हमारे संचालक महोदय निकल जाएंगे, अभी तो प्रचार बाकी है, कल लगभग ये सोमवार शाम को वापस आना होगा, सोमवार शाम को ये वापस आएंगे, पूरे हफ्ते ये
इनके लिए लगभग 150 गांव के प्रचार में है। ये 150 गांव का भ्रमण करेंगे, गाड़ी लेके कल ही रवाना हो जाएंगे कुछ टीम लेके। अभी 150 गांव का भ्रमण और होना बाकी है पूज्यपाद दादा गुरु के भंडारे का। ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे मेरे विचार से जिसे दादा गुरु के भंडारे का प्रसाद प्राप्त ना हो जाए। आपके यहाँ जितने भी संत महात्मा जिस जिस गांव में, हमारे अरविंद नेताजी कह रहे कि हम तो वहां एक कैंटर खड़ी करा देंगे अपने वहां प्रोजाबाद, जिसको भी जाना है भंडारे में आराम से जाओ, प्रसाद पाओ आराम से, वहां कैंटर लगवा देंगे। आप सबका कर्तव्य है कि दादा गुरु के भंडारे में एक एक पिकअप गाड़ी अपने अपने गांव को गोद लो। अगर तुम्हारी जेब से उस दिन 500 रुपए भाड़ा चला गया तो मैं वचन देता हूं कि आने वाले एक महीने के अंदर ही तुम्हें 5000 की फायदा होगी। आप लिख लेना और नहीं तो 500 को नोट हम तुम्हें वापस दे देंगे। इतने लोगों के सामने वचन भरते हैं, ये हंसी मत लेना कि अगर आपकी वहां से गाड़ी 700 रुपए भाड़ा ले, आप उस गांव को गोद लेके उन लोगों को ले आना, निस्वार्थ लेके आना कि आज हम गाड़ी ले चलेंगे दादा गुरु के भंडारे में। हमारी गाड़ी 500-700 जो रुपए ले रही है, गुरु महाराज जी ने टाइम दिया है उस पर तुरंत देखना कि 10 गुना कितना अंतर पड़ता है। क्योंकि हम केवट बनने का काम करेंगे, हम केवट बन के जब जाएंगे तो भगवान राम स्वयं दर्शन देने आएंगे। आप एक बार विचार करिए, एक बार सोचिए कि हम अगर 20-20 लोगों को लेके आएंगे पूज्यपाद दादा गुरु के भंडारे का प्रसाद देश के कोने कोने से। कल हमारे संचालक महोदय निकल जाएंगे, अभी तो प्रचार बाकी है, कल लगभग ये सोमवार शाम को वापस आना होगा, सोमवार शाम को ये वापस आएंगे। पूरे हफ्ते ये, इनके लिए लगभग 150 गांव के प्रचार में है। ये 150 गांव का भ्रमण करेंगे, गाड़ी लेके कल ही रवाना हो जाएंगे कुछ टीम लेके। अभी 150 गांव का भ्रमण और होना बाकी है पूज्यपाद दादा गुरु के भंडारे का। ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे मेरे विचार से जिसे दादा गुरु के भंडारे का प्रसाद प्राप्त ना हो जाए। आपके यहाँ जितने भी संत महात्मा जिस जिस गांव में, क्योंकि जो काम करेगा भाई वो तो थक जाएगा, तुम सो जाओगी, और वो चैन चुराने वाला तो वही ध्यान उसका, तो वो तो चैन ले जाएगा। तो आपके भंडारे की जगह आप सोचोगे हमारी चैन और खो गई। कुछ हमारे दो भाई उठे सेवागिर और ये त्रिपाल उधर पड़ी है, ये पीछे वहां चक्की उसके आगे इधर बिछा दो, पीछे माता की तरफ जाओ तो वहां बिछाई कम है, दो लोग जाओ, दो लोग पीछे देख लेना बिछाई कहीं कम हो तो पूरी कर देना। माताएं सुन रही है, अभी हंसी मत लेना। तीन काम माताओं के नहीं होने चाहिए, किसी माँ बहन के नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, किसी भी माँ बहन के बाल खुले नहीं होने चाहिए, और किसी भी माँ के गले में चैन पड़ी नहीं होनी चाहिए। अपनी माला मंगलसूत्र पहनो लेकिन जंजीर नहीं पहन के आना भंडारे पर, जंजीर नहीं पहननी है। परसने वाली कोई भी लड़की, जिस लड़की की उम्र 10 साल से ऊपर हो, कोई भी लड़की जींस का पैंट पहन के दावत नहीं परस सकती, ये मेरा आज से मना है। कोई भी लड़की को अगर जींस पहने देख लिया, चाहे वो आश्रम में रहने वाली परमानेंट लड़कियां हो चाहे बाहर की लड़कियां हो, 10 साल से ऊपर की लड़की को जींस पहने देख लिया तो वो दावत नहीं परस सकती, बाहर नहीं निकल सकती। आज से ही मना कर रहा हूँ, अपना सूट वूट की व्यवस्था करके रखना। कोई भी लड़की, जवान लड़की कोई भी जींस पहन के भंडारा नहीं परसेगी किसी भी तरह से। जितने भी हमारे लड़के ध्यान से सुन लें, किसी भी लड़के के गले में एयरफोन लीड नहीं पड़ी होनी चाहिए भंडारा परसते समय, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। दूसरी बात, कोई भी लड़का फटा हुआ पेंट नहीं पहन के आएगा जींस का, जींस भी पहनो तो सजी पहन के आना किसी भी तरह से, कोई भी लड़का। और जिस लड़के की भौहें पे खत लगा होगा उससे 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा, ये ध्यान से हंसी मत लेना। हमारे हमारे विकल्प मिथ्या नहीं जाएंगे, हम सबसे बता रहे अभी। अगर हमने देख लिया कि तुम्हारी भौहें पे खत लगा है तो हमारे यहाँ एक नाई रहते हैं, हम चांद तुम्हारी गंजी करा के यहां से भेजेंगे, चांद गंजी करा देंगे तुम्हारी। हमें सुधारना भी आता अच्छी तरह से। सारे भैया अपने अपने नाखून साफ करके, बालाल साफ छटवा के अच्छे से। देखो एक बात बताएं आपको, यहाँ अमेरिका के भी लोग आ रहे हैं, हमारे कुछ भक्त अमेरिका में हैं, तो वो चले गए तो भंडारे के लिए उन्होंने भी अपना सब तैयारी कर रखी है, और वहां से
वो भक्त भंडारे के लिए दो दिन के लिए अमेरिका से भी भक्त आ रहे हैं। अपने यहाँ हरियाणा के भक्त तो आ ही रहे हैं, दिल्ली के जाने कितने भक्त आएंगे, बिहार के भक्त यहाँ उपस्थित होंगे, चित्रकूट के भक्त उपस्थित होंगे और मध्य प्रदेश के तो आज भी यहाँ लोग आए होंगे। एक हमने एक दो भक्त देखे थे मध्य प्रदेश के, कोई है? एक तो ये बैठे मध्य प्रदेश से, देखो ये सारे भक्त हमारे जितने भी हैं ये हर जगह प्रांत प्रांत से आएंगे। आप सबका कर्तव्य है कि हमें उनकी सेवा करनी है। ये नहीं कि गुरुजी सामने आ तभी हम बाल्टी सेवा करें, नहीं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, अपने गुरु से कहा छिपो जिनके हाथ में डोरी। मैं अंदर रहूंगा फिर भी बाहर नजर रहेगी कि कौन कौन सेवा कर रहा है। प्यारे आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी, ना आपके भंडारे में रिफाइंड खत्म होने देंगे, ना आटा खत्म होने देंगे, ना आलू खत्म होने देंगे, ना पत्तल ग्लास खत्म होने देंगे, ना मिर्च मसाले खत्म होने देंगे। केवल आप परसते रहना और भंडारा खिलाते रहना, कमी नहीं पड़ने देंगे किसी प्रकार से। बीच दावत में कोई ऐसा नहीं भागेगा कि सब पत्तल लिया, पत्तल खत्म हो गई गिलास लिया, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रह पड़ेगी बीच में। भंडारा केवल आपको पूर्ण कराना है। करेंगे सेवा, नाखून काट के आएंगे, बाल छटवा के, माताएं हमारी बहने जिसके भी नाखून हो मैं अभी बता रहा हूं, और बाल बांध के, मैया मैं आपकी इज्जत के लिए बात बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो इस बात को मानना कि महाराज जी मेरे लिए बोल रहे हैं। हमारी जितनी भी बहन बेटियां सब बाल उनके बंधे होने चाहिए, उसके बाद भंडारा परसेंगे और नजारा देखेंगे भंडारे का, भंडारे का नजारा देखेंगे। और ये जो कैमरा लग रहे, हम चार कैमरा उस दिन लगवाएंगे, एक दावत में एक कैमरा लगा होगा, कौन कौन बहन बेटियां सेवा कर रही हो लाइव कैमरा चलवाएंगे, पूरा विश्व भारत देखेगा कि कौन कौन बेटियां सेवा कर रही हैं। सेवा भी सेवा की तरह करना। हमारी माताएं पीली साड़ी पहन के आना कोशिश करना, अगर पीली साड़ी एक एक हो तो पीली साड़ी पहन के आना। आप लोगों को अगर दो प्रकार की शर्ट हो, टी शर्ट जो पहनते हो, दो प्रकार के अगर हो तो पहन के आना, या पीली या सफेद जिस किसी पे हो वो पहन के आना, फिर देखना नजारा। दो प्रकार का वस्त्र अगर हो किसी पे तो वो पहन के आना, पीली शर्ट हो या सफेद शर्ट हो, ठीक है। भंडारे की तैयारी और प्रचार प्रसार जितना हो पाए, केवल आपके पास अब 8 दिन बचे, 8 दिन भंडारे के बचे हैं, तो आप जितना हो सके घर जाके भूल मत जाना, गुरु की बात को मिथ्या मत समझना, घर घर जाके एक दूसरे को प्रचार करो और भंडारे पर सभी भक्तों को यहाँ पहुंचाओ, सबके जिब्या पर कंठ पर वो पवित्र भोजन पहुंचे, पवित्र प्रसाद पहुंचे, सबका जीवन धन्य हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। दूसरी बात मैंने एक जी हो गया आपके फेवर में, बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। हमारे नेताजी का केस था और पिछले मंगल अर्जी लगवाई थी नेताजी ने, अभी फोन तुरंत ही आया कह रहे वो केस हम जीत गए। आज का सारा प्रसाद नेताजी का रहा, आज जितना भी प्रसाद अभी हलवा का प्रसाद बटेगा सारा प्रसाद नेताजी के द्वारा बटवाया जा रहा है, सारा प्रसाद नेताजी के द्वारा बटवाया जा रहा है। अब तो भंडारो और चकाचक होएगो, अब तो केस जीत गए का है, हैं? केस हारते तो बात अलग थी, अब तो केस जीत गए, अब तो भंडारो और चकाचक होएगो, हैं? अब तो अगर 100 रुपए खर्च हो रहे तो अब तो 125 खर्च होंगे, टेंशन ना लो साहब, तो केस जीत ही गए, अब क्या बात है। नहीं, मैंने तो आज तक कोई आदेश ही नहीं किया है, एक ही आदेश है आपसे भी करता हूं कि जितना हो सके भंडारे में समय अधिक से अधिक देना। मैंने आज तक आदेश की जरूरत ही नहीं है, परमात्मा की कृपा से सब भक्त समझदार है। कितने भक्त ऐसे हैं जो उठाना, चाहे पिछले चाहे पिछले चाहे पिछली साल चाहे 4 साल, हाथ उठाओ, ऊंचे उठाओ, ऊंचे उठाओ, आज वाले सिर्फ हाथ नीचे रखे, बाद बाकी ना उठाओ, उठाओ, उठाओ,
उठाओ तो सही। देखो भैया, आप जितने भी भक्त हैं, मैंने अभी माइक से आपसे कह दिया है, आप सभी अब हाथ नीचे कर लो। ये भंडारे में आप जैसे अभी मैंने देखा कि एक भैया दो तीन पत्तल गड्डी और दो तीन गड्डी थी पत्तल की और गिलास लेके आए। आप सभी घर जाके ये जरूर सोचना है कि हम पे अगर जितना बने, हम अगर एक रिफाइंड का तीन देने लायक हैं, तो इसमें कहां कहां से लाखों की संख्या में तीन दिन भंडारा लगातार चलने जा रहा है, हम एक रिफाइंड की तीन में गरीब नहीं हो जाएंगे। अगर हम 1000 पत्तल या 500 पत्तल या 500 गिलास दे देंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे। हम 10 किलो आटा पहुंचा देंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे। हम अगर 100-200 रुपए भंडारे की सेवा में दे देंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा भक्त ना बचे जो भंडारे की सेवा में दान ना दे। जो बने किसी पे कोई, अभी नेताजी ने कहा कि गुरुजी का तो आदेश हो, तो आदेश सिर्फ इतना है कि अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ दान जरूर भंडारे में करना, जो देश की चिड़िया चिड़िया भी चुगने आए वो भी आपके लिए दुआ निकाले।